नमस्कार, आप सबका स्वागत है माधुरी की हमशक में लगने वाली एक्ट्रेस निक्की अनेजा टेलीविजन शो इश्क गुनाह से कमबैक किया है। शो में ये लैला राय चंद के रोल में हैं। निक्की कहती हैं, साल 1992 में मैंने एक मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट किया था जिसका नाम था मिस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। उस समय मैं कॉलेज में थी। शो की ग्रूमिंग के लिए मुझे कोरिया भेजा गया। मैं से केंद्र रनरअप रही, वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। हालांकि मैं कभी एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, मैं पायलट बनना चाहती थी। मैंने फ्लाइंग क्लब मुंबई में 72 घंटे फ्लाइंग की है। आगे की ट्रेनिंग के लिए टेक्सास जाना चाहती थी, लेकिन पापा ने फंड देने से मना कर दिया। पापा बोले कि वो रिस्क नहीं ले सकते और मेरा वो ड्रीम वहीं टूट गया। इसके बाद मैं अपने भाई परमीत सेठी के पास चली गई। वो हमेशा कहता था कि बहन तू इतनी लंबी सुंदर है, एक्टिंग कर ले, लेकिन मैं हमेशा मना कर देती। इसके बाद मैंने पोर्टफोलियो करने का मन बनाया। मैं मॉडलिंग नहीं बल्कि उससे पैसे कमाना चाहती थी ताकि अमेरिका जाकर फ्लाइंग की ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकूं। मैं पहले पोर्टफोलियो करके निकली ही थी कि दूसरे पोर्टफोलियो का ऑफर आ गया। पहले एड के लिए मुझे 8,000 रुपए मिले। उसके बाद तो एड की लाइन लग गई, पैसे भी अच्छे मिलने लगे, घूमने लगी और मुझे मॉडलिंग से प्यार हो गया। बस मुझे मेकअप पसंद नहीं था, मेरा बैकग्राउंड भी फिल्मी था। पापा का अंधेरी मुंबई में एक स्टूडियो था जिसका नाम था सेठ स्टूडियो। वह अपने दौर का इकलौता एयर कंडीशन स्टूडियो था। एक दिन मुझे पहला नीलानी की कॉल आई और उन्होंने मुझे फिल्म में एक्टिंग का ऑफर किया। मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इसी इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूँ, ये जगह सही नहीं है। लेकिन मैंने पापा को बोला कि एक कोशिश करने दीजिए, समझ नहीं आएगा तो नहीं करूँगी। मैंने पहली फिल्म मिस्टर आजाद की। पहली फिल्म से ही मुझ पर माधुरी दीक्षित की हमशक्ल होने का ठपा लग गया। उसके बाद मुझे यस बॉस का ऑफर मिला। उसी दौरान पापा की डेथ हो गई। मैं सीधे यस बॉस के प्रोड्यूसर रतन जैन के पास गई और उनसे कहा कि सर आप अपना पैसा वापस ले लीजिए, फिल्म नहीं कर पाऊंगी। वो बोले, शूटिंग होने वाली है, तेरे अंदर बहुत स्किल है, लेकिन मैंने सोच लिया था कि फिल्म नहीं करूंगी। पापा की डेथ के बाद मैं एकदम से असुरक्षित महसूस करने लगी थी कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत न हो। सुनती थी कि इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच और हैरेसमेंट वाले केसेस बहुत होते हैं और मेरे साथ कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पापा साथ थे। इससे पहले कि कुछ गलत होता मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी।